डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। RSS प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों को लेकर दिए गए बयान को साधु संतों ने सनातन धर्म पर हमला बताया है। उनका कहना है कि मोहन भागवत हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश कर रहे हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने मुंबई में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर आयोजित समारोह में कहा था कि ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। डासना के यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी अमृतानंद के बीच हुआ संवाद इसे लेकर खासा वायरल हो रहा है। देखिए मोहन भागवत अपना एक नया धर्म बना रहे हैं स्वामी जी, जिसका सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना नया धर्म बना रहे हैं, उनके अलग देवता हैं, उनकी अलग पूजा पद्धति है। मोहन भागवत की किसी भी मानसिकता पे कमेंट करना मुझे लगता है कि ये किसी भी साधु के लिए अपमानजनक है। हम लोगों को इस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। वो जाति के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं, और वो ब्राह्मणों को बदनाम करके इस समय मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठाओं को और मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ ही हिंदुओं में बंटवारा करना, ताकि हिंदुओं का विनाश जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो, इस काम में मोहन भागवत लगे हुए हैं। मैं सारे ब्राह्मणों से आह्वान करता हूँ, सारे सन्यासियों से आह्वान करता हूँ, एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस बात पर होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने आज तक पूरी दुनिया को क्या दिया है, ब्राह्मणों की देन क्या है इस दुनिया को, इस मानवता को, संपूर्ण मानवता को, केवल भारत को नहीं। इस पर एक बहुत बड़ा विचार गोष्ठी, बहुत बड़ा सम्मेलन होना चाहिए, और जो भी लोग इस सम्मेलन को करना चाहें मैं उनके साथ सहयोगी के रूप में कार्य करूंगा। और महाराज जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आपका जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, आपने बाद में संन्यास लिया है, ये संपूर्ण मानवता की अस्मिता का सवाल है। ब्राह्मणों पर आक्षेप करना, ब्राह्मणों पर कुठाराघात करना, ये आज का फैशन हो गया स्वामी जी, लेकिन इस फैशन के विरुद्ध किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने जो किया है, ये जो है केवल सनातन को बर्बाद करने का एक प्रयास है उनका, ताकि ब्राह्मणों के प्रति समाज में जो घृणा है अब उसे नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाया जा सके। महाराज जी, मेरा थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन और चाहूंगा मैं, क्लियरिफिकेशन कि मोहन भागवत जी अगर ये बयान देते हैं तो देखा जाए तो एक हमारे सनातन धर्म के मानने वालों में बहुत बड़ी मतभिन्नता आ सकती है जी। कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के क्षत्रिय हैं अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए, और ब्राह्मणों पर आक्षेप लगा करके ये कौन सा देश बना रहे हैं। देखिए स्वामी जी, जहाँ वो कृष्ण जो बोल रहे हैं वो क्षत्रिय के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान के रूप में बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये वर्ण जो बनाए थे भगवान ने बनाए थे, और ये परमात्मा की सृष्टि है। और स्वामी जी, हमारे यहाँ वेद आदिकालीन है, गीता कृष्ण जी तो 5200 साल पहले हुए, हमारा वेद आदिकालीन है, और वेद को मानते हुए स्वामी जी चार वर्णों को मानना ही पड़ता है। बाद में इसमें कुछ विकृतियां आई, लेकिन उसके लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराना ये एकदम इस तरह से है जैसे आप सूरज पर थूक रहे हो। सूरज पर वो थूक नहीं गिरेगा, लेकिन जो ये हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और ये बहुत दुखद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे, और मैं कहूँगा कि इस पाप की पराकाष्ठा के ऊपर एक काम कर रहा है एक सिस्टम जिसका नाम RSS प्रमुख मोहन भागवत है, वो हमें बांटना चाहता है, और ये मेरा बयान निजी है, इसको दूर तक पहुंचाने का काम आपका है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सुमन महाराज ने इस बारे में यह कहा। अच्छा, मोहन भागवत ने जो ये पंडितों को लेकर बयान दिया है उसमें आपकी क्या राय है, क्या उन्होंने सही किया है आपके अकॉर्डिंग? मैं देखिए, जात पात को तो मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? कि सिर्फ हम एक इंसान हैं, और इंसान के रूप में हमने सबने जन्म लिया है, और कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जिस दिन कोई
क्या कहूँ मैं, कोई मर्द अपनी कोख से 9 महीने रखने के बाद किसी बालक को जन्म देगा उस दिन मैं जात पात मानूंगी, और अगर किसी की उंगली से खून लाल की जगह पीला या हरा निकलेगा उस दिन मैं जात पात मानूंगी, उससे पहले मैं कोई जात पात नहीं मान सकती और ना मैं जात पात मानती हूँ। अच्छा, उनका तो यही कहना है ना कि पंडितों ने बनाई है जात पात और ये नहीं, पंडितों ने कोई जात पात नहीं बनाई है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे फर्स्ट फाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटेज, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेज, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।